आओ। मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ एक मिनट जी सर कोई वीपीएन तो पढ़ा नहीं है नहीं सर वीपीएन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना क्या है तो कोई नहीं वीपीएन अभी पढ़ लोगे आप विद इन टेन डेज फिर बोलना कि हाँ हम कर सकते हैं राइट तो अभी इकोसिस्टम देखना पड़ेगा ना कौन से उस पे उनको करना है तो उस बेस पर वो सारी चीजें करा जाए तो बेटर है कि कौन सा वीपीएन या कैसा वो है आप तो सिस्को की डिवाइस पर वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे अभी आपके सीसीएन वाले बैच में है ना बट सर लेकिन एमसीएस में भी वीपीएन है ना सर हाँ उसमें सर्वर पे आ, सीखा जाता है उसमें सर्वर पे जैसे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उस पे आपको वीपीएन कॉन्फ़िगर करवाया जाएगा तो ये सारी चीजें हैं

कौन सा वीपीएन मैनेज करेंगे आपके पास तो डेस्कटॉप इकोसिस्टम है ना लोकल एरिया है और डिप्लॉय करने के लिए तो वीपीएन हमें टॉप लेवल के अथॉरिटीज को मैनेज करना पड़ेगा टॉप लेवल के के डिवाइसेस थ्रू डिप्लॉय करना पड़ेगा तो क्या एलवन वाले सिस्को के डिवाइस मैनेज कर पाएंगे क्या सर्वर को मैनेज कर पाएंगे नहीं ना तो डेफिनेटली आप डिप्लॉयमेंट तो नहीं कर पाएंगे बट कहीं ना कहीं आप टॉप लेवल से बिलो वर्क कर रहे हो लो लेवल पे यानी कि एलवन की, की प्रोफाइल पर तो वहां पे आप क्लाइंट एरिया मैनेज कर सकते हो लाइक like डब्ल्यूएफएचम का जब वर्क होता है वर्क फ्रॉम होम ऐसे कुछ भी तो जो भी क्लाइंट होते हैं उनको गाइड करना उनको ट्रबल शूट कराना कौन से यूजर नेम पासवर्ड हैं वीपीएन कौन सा चल रहा है वीपीएन सर्वर लाइव है नहीं है वो सब रिपोर्ट में भी ऐसे कुछ करना हो मैनेज करना ये सब चीजें हो सकती हैं राइट ओके सर नेम करेक्ट नहीं है स्टूडेंट के पे नेम करेक्ट नहीं है पे पोको में सर पोको एम करके कुछ लिखा हुआ है पोको फोर प्रो करके हाँ वही मैं आ, देख रहा हूँ सभी लोग बोल्डो, बोल्डो, बोल्डो पर, पर नहीं सुनते सर सर सभी लोग अपना नेम जो है रजिस्टर्ड नेम से ज्वाइन करें जिसने पोको एम फोर प्रो करके ज्वाइन किया हुआ है ये भी अपना रीनेम कर लेके okay. रीनेम कर लो अभी पता नहीं कौन है ओके okay, तो हम लोग यूएसबी डिवाइसेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूएसबी एंड टाइप्स ऑफ यूएसबी पोर्ट्स हम सब लोगों को यूएसबी डिवाइस के बारे में पता है लाइक पेन ड्राइव हमारा एक यूएसबी डिवाइस है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग यूएसबी को सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ऐसे करके यहाँ पे है तो वैसे ही हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी के वर्जन के अकॉर्डिंग वन एक वर्जन है जिसमें ट्वेल्व एमबीपीएस का स्पीड मिलता है 2.0 जो पेन ड्राइव आती हैं उनमें 480 एट्टी एम बी पी एस तक का स्पीड है 3.0 में 5 जी बी पी एस तक का स्पीड है एंड यू एस बी थ्री पॉइंट वन टेन जी बी पी एस का स्पीड आपको प्रोवाइड करता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यूएस बी ए टाइप का पोर्ट है ये ये आपका बी टाइप पोर्ट है एंड माइक्रो बी टाइप पोर्ट है माइक्रो यू एस बी है मिनी यूएस बी है एंड सी टाइप पोर्ट है तो आई थिंक इधर के ये वाला पोर्ट इज आई थिंक की एक मास्टर पोर्ट है हमेशा ये यूज किया जा रहा है बट अभी इन सब चीजों को रिप्लेस करके यूएसबी सी टाइप का पोर्ट अवेलेबल हो रहा है राइट right? क्योंकि यूएस बी सी टाइप जो होता है ये काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सी टाइप ट्रांसफर स्पीड अगर हम लोग सर्च करें देखें तो इन कंपेयर ऑफ अदर यूएसबी ये काफी फास्ट है जो भी सी टाइप की डिवाइसेस होती हैं वो चार्जिंग से लेकर किसी भी तरीके का जो सिग्नल है वो ट्रांसफर करने के रेट में काफी फास्ट होते हैं तो सी टाइप डेटा ट्रांसफर रेट ओके तो सी टाइप डेटा ट्रांसफर रेट आप देख सकते हो टेन जीबीपीएस जो कि थ्री पॉइंट वन के उसमें है और यहाँ पे 10 gbps तक का स्पीड है 3.0 .5, 5 gbps तक का स्पीड है टाइप सी पोर्ट में यहाँ पे नेट का न्यूज़ है और जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो 10 gbps तक का आपको स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है जो कि आ, ये हमारा 3.1 वर्जन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है तो ये वही स्पीड है यूएसबी का राइट तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस कभी कभी देखो इसकी ट्रबल शूटिंग भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कभी कभी ये होता है कि जब हम किसी भी डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं मैं एक मशीन ऑन कर लेता हूँ जिसमें आपको सारी लैब करके दिखा सकूँ कोई प्रॉब्लम भी ना हो तो मैं यहाँ से एक वर्चुअल मशीन ऑन ऑन कर लेता हूँ लाइक like, कोई भी एक वर्चुअल मशीन हमारे पास एक विंडोज टेन का ये मशीन है इसको लाइव कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एक यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो मे भी ऐसा कुछ एरर आया हो नॉट रिकॉग्नाइज का यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज मैक्सिमम जब आपका पोर्ट या तो डस्ट की वजह से या यूएसबी पोर्ट बहुत पुराना हो गया है है ना तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं उसपे प्रॉब्लम हो गई उसपे बहुत सारा जंग ऐसे कुछ लग गया है तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलता है कि यूएसबी आपका प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए क्या क्या ऑप्शंस यूज करना होता है कैसे करना होता है दिखाते हैं यूएसबी यूएसबी ये एरर नॉट नॉट या डिवाइस रिकॉग्नाइज ऐसे प्रॉब्लम आ जाए विंडोज के इन्वायरमेंट में या कहीं पर भी तो इमेजेस में दिखा दूं ऐसे नोटिफिकेशन आपको लिख कर आ जाता है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज आप प्रिंटर कनेक्ट करते हो पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो प्रॉब्लम्स आती है ऐसा देखा है आप लोगों ने प्रॉब्लम जैसे यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज यहाँ पे भी है ऐसे ऐसे इसको यस सर तो इसको फिक्स इस, तो करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं कुछ ट्राई करते हैं आप लोग पेनड्राइव को निकाल देते हैं फिर से लगाते हैं ना क्लीन लगाते हैं तो सही हो जाता है सर और कोई ऑप्शन यूज करते हैं टेक्निकल ट्रबल्स डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करते हैं यूएसबी का ड्राइवर है या नहीं ओके okay. तो डिवाइस मैनेजर से हम लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं ठीक है और कुछ हुँ. और ये भी चेक करते हैं और यूएसबी पोर्ट ब्लॉक तो नहीं है नहीं तो नॉट रिकॉग्नाइज़ नहीं आएगा कनेक्ट विथ डिवाइस ऑडियो ये एक मिनट मैसेज कोई कर रहा है सर ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर्स कैसे अपडेट करते होंगे सर मैं सब बता रहा हूं एक मिनट ओके okay. जी तो ट्रबल शूटिंग करते हैं हमारा डिवाइस लाइव हो गया और ये विंडोज टेन का एक मशीन है राइट अब इस विंडोज टेन की मशीन में अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं अनवांटेड मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज थोड़ा सा अवॉइड करिए आप लोग है ना ओके सर ओके तो अभी मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है क्योंकि मैसेज नहीं पढ़ सकता ना बहुत सारे मैसेजेस फटाफट फटाफट -फटा करते जा रहे तो क्लास देखो आज डिले हो गया ऑलरेडी एटीन मिनट तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैं यूएसबी ट्रबल शूटिंग की बात कर रहा था तो स्पीड आपने देख लिया एज पर योर यूएसबी वर्जन यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा सबसे बेस्ट सबसे फास्ट आज के समय पर यूएसबी सी है और आपको मोबाइल चार्जर से लेकर लैपटॉप के चार्जर और हर जगह पे आपको सी टाइप का देखने को मिल रहा होगा इवन देन आईफोन की टेक्नोलॉजी जो है अभी काफी दिनों से इस पर है तो ये सब चीजें हैं मैकबुक एंड ये सारी डिवाइसेस भी इसी को फॉलो करती हैं। सो so, अगर हम लोग डिवाइस को रिकॉग्नाइज लिख के आ रहा है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे माय कंप्यूटर ओपन करें या तो फिर डिवाइस मैनेजर यहाँ से ओपन कर लें या तो माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी से ओपन कर लें अभी यहाँ पे कह रहा है कि यू आ? आर नॉट एबल टू ओपन डिवाइस मैनेजर जस्ट बिकॉज पर नहीं है तो अभी ठीक है आप चेंजेस या कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर सकते ये ऐसा कुछ वार्निंग दे रहा है तो अगर आप इसमें चेंजेस या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको एज अ रूट से या मतलब इसके मेन यूजर से लॉग इन करना पड़ेगा तो हमें बस सेटअप देखना है हमें कोई चेंजेस नहीं करना है सबसे पहले यहां पे देखिए जब आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे अगर आपके सिस्टम पे यूएसपी ऑप्शन यहाँ पे देखो देखने को मिले यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर तो कोई भी डिवाइस है यहां पे येलो मार्क क्लिक किया जाएगा ध्यान से समझना ट्रबल्सू कोई भी डिवाइस आप यूज करो यहाँ पे येलो मार्क आएगा अगर येलो मार्क आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो डिवाइस प्रॉपर तरीके से या तो ड्राइवर के इशू की वजह से ड्राइवर अपडेट भी हुआ हो सकता है हुआ हो तब प्रॉब्लम आ गई हो या तो फिर ड्राइवर अपडेट होने के बाद मतलब पहले अच्छा चल रहा था विंडोज वर्जन अपडेट हो गया तो ड्राइवर अपडेट नहीं हो पाया तो मे भी ऐसा कुछ आता है तो यहाँ पे जो भी ड्राइवर है सब यहाँ पे दिखा रहा है जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊ डिस्प्ले का प्रॉपर वर्क कर रहा है सारे ड्राइवर यहाँ पे देखो कहीं पर भी येलो मार्क नहीं मतलब सब कुछ ओके काम कर रहा है तो इन केस अगर लगता है कि आपके ड्राइवर में कोई चेंजेज हुआ है और रेंडम चेंजेज हो गया है तो आप यहाँ से राइट right क्लिक करके आई uh, थिंक नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया ये क्लाइंट का वो एरिया है सो लेट मी शो कि हमारे मेन कंप्यूटर पे ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिवाइस मैनेजर मेन कंप्यूटर पे देख लेते हैं तो ये आप देखो हमारा मेन कंप्यूटर है यूएसबी और यहाँ पे यूएसबी के ढेर सारे पोर्ट अवेलेबल है मेरे पे थ्री पॉइंट जीरो भी है और यहाँ पे थ्री पॉइंट वन भी है और ये दोनों पोर्ट अवेलेबल है तो अभी अगर मान लिया कि मुझे सी टाइप भी हमारे पर अवेलेबल है तो अगर मैं इस वाले पोर्ट पे राइट क्लिक करके ड्राइवर अपडेट करना चाहता हूँ तो यहीं से जस्ट मैं क्लिक करूंगा कर लूंगा केस कोई रेंडम चेंजेस हुआ है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे स्कैन हार्डवेयर चेंजेस तो जो भी चेंजेस हुआ होगा उस समय आपका वो बाय डिफॉल्ट फिक्स हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आप स्पेसिफिक हार्डवेयर पे आएंगे और मान लिया कि इस ड्राइवर को अपडेट करना है तो अपडेट करो एंड यहाँ से सर्च ऑटोमेटिकली और पर्टिकुलर नेट से जो भी ड्राइवर होगा ये सर्च करके आपको दे देगा या तो विंडोज देखो यहाँ से अपडेट में उठा लिया जस्ट चेक करो अपडेट अप टू डेट कर लेगा ऑटोमेटिक इसने विंडोज ड्राइवर अपडेट ओपन कर लिया कभी कभी ये होता है कि इस पर आप राइट right क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी ओपन करो और यहाँ से ड्राइवर में आ जाओ और अपडेट ड्राइवर यहाँ से फिर आ जाएगा वही सेम प्रोसेस अगर अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है ड्राइवर तो उसको भी यहाँ से ब्राउज करके आप चाहो तो कहाँ पे आपने ब्राउजर रखा मतलब वो ड्राइवर रखा हुआ है उसको वो ऑटोमेटिक पिकअप करके इंस्टॉल कर लेगा बस आपको उस लोकेशन पे जाना है तो ये दो तरीका है कभी कभी ये होता है कि ड्राइवर अपडेट हो गया फिर आपके सिस्टम में यूएसबी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है प्रिंटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है ऐसा प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन के अंदर तो उस कंडीशन में आप यहाँ से रोल बैक कर लेंगे ओके रोल बैक करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो अपडेट आया है आपका जो अपडेट हुआ है वो यहां से वापस पुराने वर्जन पे आ जाएगा क्लियर हो गया तो रोल बैक के फीचर से ये हमें देखने को मिलता है कभी-कभी होता है ऐसा कि हमें अपडेट करने के बाद वो इश्यू करने लगता है क्योंकि मैच uh, नहीं हो पाता क्योंकि हायर वर्जन की विंडोज का अपडेट आ गया या ऐसे कुछ तो वो ड्राइवर का इशू कभी-कभी आ जाता है तो या तो हम अपडेट कर लें अपडेट होने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रोल बैक करके डाउनग्रेड कर सकते हैं ओके बाकी ये सारी चीजें बाकी कहीं तो कुछ चेंजेस नहीं करना जस्ट स्टॉप करके इसको कैंसिल कर दे या क्लोज कर देना है तो ये तरीका है तो ये कहाँ से ओपन हो रहा है आप विंडोज पे राइट क्लिक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर आ जाएगा या तो फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे विंडो आर और यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प सी ओ एम पी एम जी एम टी डॉट एम एस सी और एंटर कर देंगे कॉम पे एम जी एम टी डॉट एम एस सी एंड यहां पे देखिए आपको मिलेगा डिवाइस मैनेजर का एक ऑप्शन तो यहाँ पे वही फिर ऑप्शन दे रहा है कि यू मस्ट लॉग ऑन लॉग्ड एडमिन यूजर टू मेक एनी चेंजेस नहीं तो नहीं आप कर सकते तो ठीक है हमें करना ही नहीं है कोई चेंजेस और यहाँ से हम फिर वही चीज ओपन करके देख पाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर मैनेजमेंट की कंफिग्रेशन ओपन करके देगा और भी बहुत सारे टास्क आप कर सकते हो बट सेपरेट डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए भी उसकी कमांड होगी आपको देखना पड़ेगा या तो फिर यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेंगे क्लियर है कहाँ से ओपन करना है

Update, अपडेट है, उसका बैक करना है तो वो कहां आप तो ड्राइवर के अंदर यहाँ रोल बैक ऑप्शन हाईलाइट होगा अपडेट हुआ होगा तो अगर मान लिया की वर्जन वन आपने इंस्टॉल किया आगे चल के अपडेट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसमें आ गया वर्जन 1.1 आपका अपडेट आ गया ड्राइवर का तो यहाँ पे अब रोल बैक दिखाएगा क्योंकि 1.1 तो आपका था 1.1.0 था या 1 था आपका 1.1 हो गया तो रोल बैक तब दिखाएगा बिना अपडेट ये रोल बैक हाईलाइट नहीं होगा क्लियर है तो ये चीज आप से रोल बैक करके अपना प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं हो जाएगा ओके एंड नेक्स्ट ये भी हमें चेक करना होता है कि अगर हमारा फिर भी सब कुछ ओके करने से पहले या डिवाइस मैनेजर में चेंजेस करने से पहले एक स्मार्ट ट्रबल शूटिंग तरीका यह है कि आप अपनी ड्राइव या अपनी डिस्क को सॉरी अपने यूएसबी इस केबल को चेक कर लो कहीं डैमेज तो नहीं हो गया कभी-कभी ऑफिसस -कभी में कोई भी ऐसे चूहे वगैरह कभी होता है काट देते हैं अब माना कि वीआईपी ऑफिस है तो चूहा नहीं जाएगा बट मेबी कोई मॉइस्चराइजेशन या आ, एसी बहुत आ, मतलब कि ज्यादा उस पे चल गया और बहुत पूल की वजह से वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया पोर्ट वगैरह में है ना तो ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं क्योंकि वहां पे हीटिंग भी होती है और ऊपर से टेम्परेचर काफी डाउन हो रहा है राइट तो ऐसे कुछ करके तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो गया फिर क्लीन अच्छे से नहीं हुआ डस्ट की प्रॉब्लम हो गई तो आप डिवाइस मैनेजर जाके तो वहां से नहीं करना एटलीस्ट पहले अपने केबल को चेक कर लो कि केबल प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है लाइट ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिवाइस प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा ओके तो उस हिसाब से फिर आप आगे ट्रबल शूटिंग करेंगे नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारा यहाँ से थोड़ा एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है यूपीएस यूपीएस स्टैंड फॉर होता है अनप्टेड पावर सप्लाई ओके तो ये हमारा एक ऐसा पावर सप्लाई यूनिट है जो कि इस तरीके से देखने को मिलेगा और क्या आज के समय पर इसकी रिक्वायरमेंट है अगर है तो क्यों या इसको यूज क्यों किया जाता है वट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएस सर अगर लाइट चले जाएगी तो उपे... हमारा सिस्टम ऑन रहेगा इस वजह से ओके यानी कि अगर हमारा लाइट चला जाता है तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा ऑफ रहेगा ऑन रहेगा कितने टाइम तक का ये बैकअप प्रोवाइड करता है ये समझ सर वो लो, वो पांच तो, मिनट है इसको हम पंद्रह मिनट तक तो रहता है डिपेंडेंट होता है यूपीएस के ऊपर यस ये इन्वर्टर अब घर में बड़ा इन्वर्टर लगा है तो वो आपके नॉर्मल फॉर यूज नॉर्मल बैकअप इन्वर्टर यस नॉर्मल बैकअप पंद्रह बीस मिनट तीस मिनट तक के बैकअप के लिए आप इसको यूज करते हो पूरा इसका फंक्शन ये, तो ये तो सर इसकी बैटरी जैसे जितना बढ़िया लगाएंगे उसके अनुसार देगा ना बैकअप यह इन्वर्टर पे ही डिपेंड करता है नहीं जैसे मान कि जो कंप्यूटर के लिए आते हैं वो इतना ही आता ही है थर्टी मिनट मैक्सिमम है ना थर्टी बिल्कुल एलईडी वगैरह आप यूज कर रहे हो बड़ी बड़ी मशीन नहीं है तो या लाइट इससे इसमें इसमें इस बेसिकली डिपेंडेंट होता है हाँ मैं आ रहा हूँ उधर सब अभी हम लोग देखते हैं ठीक है तो अभी इतना समझ में आया ना कि दिस इज स्मॉल इन्वर्टर फॉर बैकअप पर्पस, ओके तो अभी एक ने बताया कि लाइट अगर चली जाती है तो भी ये हमारा थर्टी मिनट अप टू बैकअप प्रोवाइड कर देगा जिससे हमारा सिस्टम सडनली शट डाउन नहीं होगा ओके okay, जब भी हमारा सिस्टम सडनली सट डाउन नहीं होगा तो हमारे सिस्टम पे जो भी वर्क चल रहा है या जो भी टास्क ओपन है वो अफेक्ट नहीं होगा और हमारे सिस्टम के जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी वो सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा होगा और हमें टाइम मिल जाएगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को कोई एडवांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो कि हम नहीं चाहते सिस्टम हमारा अचानक चा, चला जाए मतलब लाइट चली जाए तो वो सट डाउन हो जाए तो हम लोग ऐसा है कि यूपीएस या पावर सप्लाई यूनिट खरीद सकते हैं जो कि पंद्रह रुपए से लेके मार्केट में अप टू टेन थाउजेंड रुपीज तक आप जाएंगे तो मिलेगा बट उससे ज्यादा जाने का मतलब आप इन्वर्टर लगवा लो पंद्रह बीस भी, हजार बाईस हजार तेईस हजार रुपए में राइट तो ये हमारा हो जाता है तो इस पर्टिकुलर डिवाइस से हम लोग अपने सिस्टम को बैकअप पावर सप्लाई की तरह से यूज कर सकते हैं दूसरा इससे बेनिफिट ये मिलता है पहला तो हमारा हो गया बैकअप ऑफ पावर सप्लाई सेकेंड इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि लॉस ऑफ डेटा है ना सेव फ्रॉम लॉस ऑफ डेटा अगर हमारे सिस्टम पे कोई भी टास्क चल रहा है तो वो डेटा लॉस नहीं होने देगा है ना सेफ फ्रॉम डेटा लॉस डेटा लॉस नहीं होने देगा जैसे मान लिया कि मैं ही अपना बताऊं तो मान लिया अभी मैंने दो घंटे का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया तो दो घंटे के वीडियो में मैंने जब उसको एडिट किया या दो घंटे का पूरा का पूरा जब मैंने बनाया दो घंटे की पूरी टाइम के अंदर मैंने बहुत सारे जगहों पे थोड़ा इफेक्ट डाला बहुत सारी जगहों पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए कहीं टेक्स्ट डाला कहीं पे ऑफर का लिखा कहीं पे सब्सक्राइब का ऐड किया ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड किया तो पूरा प्रोसेस करने में हमें जितना टाइम लगा उससे कहीं ज्यादा तीन से चार घंटे लग गए हमारे सिस्टम को इसको दो घंटे का आउटपुट मतलब कि निकालने के लिए या उसको आउटपुट देने अगर दो घंटे के दो घंटे का प्रोसेस नहीं लगा था आई थिंक मैंने तीन उन बजे के आसपास दिन में लगाया था तो फिर वो छह बजे या साढ़े छह बजे के आसपास रेडी हुआ था तो कितना टाइम लगा तीन साढ़े तीन घंटा लग गया दो घंटे के वीडियोस फोटोज के लिए तो अगर इन केस हमारा जो सिस्टम है या पावर सप्लाई है वो कट हो जाता तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट लॉस हो जाता है ना उसमें मैंने लगभग मैं एडिटिंग के समय सारी चीजों में दो तीन घंटा इन्वेस्ट किया तब जाके वो पूरा टाइम लाइन तैयार हुआ मेरा अच्छे से तो कहीं ना कहीं पूरे दिन का एक अफर्ट था जो कि अगर हम वहां नहीं आ, होता या ऐसा मेरा यूनिट नहीं होता तो लाइट कट होने की वजह से ऐसा होता कंपनी और प्रोडक्शन में भी ऐसे होता है कि कोई काम कर रहे हो तो ये यूनिट जरूरी है बट इस यूनिट से क्यों ऐसा यूज किया जाता है क्योंकि आज के समय पर आई थिंक इस यूनिट की जरूरत उतना नहीं है जितना पहले था अगर हम विंडोज सेवन और विंडोज एट तक की मैं बात कर सकता हूँ तो यहाँ पे यूपीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन था कि यहां पे यूज करना चाहिए अदरवाइज आप अपने प्रोजेक्ट अपने डेटा को लॉस कर देंगे अगर शट डाउन हुआ अचानक कंप्यूटर क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम या हमारा जो कंप्यूटर था उतना ही स्मार्ट नहीं था उसकी डिस्क कैपेसिटी इतना स्मार्ट नहीं थी कि जैसे ही पावर ऑफ हो तो वो अपने डेटा को रिवर्ट कर पाए या रिकवर कर पाए बट आज के समय पर जितनी भी डिवाइसेस हैं और विंडोज 10 वगैरह का जो ओएस है विंडोज 11 है इन सब चीजों पे आपने देखा होगा डेस्कटॉप वगैरह को भी आप बार-बार बंद कर दे तो कुछ भी कर तो आपको OS करप्ट नहीं होता है ना ऐसा देखा होगा आपने फील किया कभी विंडोज 7 में चार बार बंद हुआ ओएस करप्ट हो जाता था ब्लू स्क्रीन आने लगता था ऐसा है क्या सर पर yes ये सर ये तो ऐसा है आप जो बात कह रहे हैं कि ओएस मतलब विंडोज सेवन और एट के लिए यूपीएस जरूरी नहीं था लेटर उसके लिए मतलब यूपीएस जरूरी था और लेटर ओएस के लिए यूपीएस जरूरी नहीं है इतना ज्यादा पर अगर एप्लीकेशन की बात करें जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सर वो उसके जरूरी लिए जरूरी जरूर। है हाँ, उसके हाँ, लिए मैंने पहले ही बता दिया उसके अकॉर्डिंग हाँ, फिर आपको चाहिए ही चाहिए हाँ, है? अगर आप तो हाँ, नॉर्मल तो, तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हम लोग देखें तो ओएस करप्ट होने का बहुत चांस रहता था पहले जो कि अब नहीं है तो इस पर्पज से अगर हमें देखना है तो कोई जरूरत नहीं है राइट एंड अनदर पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यूपीएस यूज कर रहे हैं तो हमारा जो पीसीबी है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सभी क्या है आपके सेफ हैं. है या नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिल रही है है ना अब जैसे कि अगर आपके घरों घर में जो भी पावर सप्लाई आ रहा है टू फिफ्टीन वोल्ट का आ रहा है या थोड़ा ज्यादा भी आ रहा है टू ट्वेंटी चाहिए बट आ रहा है टू थर्टी और हमारे सिस्टम को टू ट्वेंटी ही चाहिए है ना यूनिट्स जो भी है हमारे सिस्टम पे तो ये जो यूनिट है ना ये उसको मैनेज और बैलेंस करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा है ना एग्जैक्ट जितना आउटपुट है ये उतना ही प्रोवाइड करेगा तो इन केस कभी लाइट फ्लक्चुएट होता है क्योंकि इन सब चीजों पे भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है अभी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता और है और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आती हैं जो कि इसको भी कंट्रोल करते हैं बट इन केस जब चीजें नहीं थी तो इन सब चीजों को डिजाइन किया गया था इन्वर्टर एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई देगा 220 ये देगा तो देगा इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आज के समय पर एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सभी के घरों में यूज किया जा रहा है जो कि क्या है यूपीएस बेस पर इन्वर्टर 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 है और एलईडी बल्ब Yes. है ना उसके बारे में भी पढ़िएगा सेम इसी पैटर्न पे उसको हाँ तो अब सुनो हमारी बात तो उसमें क्या होता है कि देखो इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये पार सप्लाई दे रहा है अगर लो है तो दे रहा है तो दे रहा है आउटपुट ये जब तक मैनेज कर सकता है उतना तो आपको देगा अगर इसको लगता है कि बहुत लो हो गया वोल्टेज तो ऐसा नहीं है कि अब 10 वोल्ट पावर सप्लाई आ रहा है तो 220 ट्वेंटी ये बना कर देगा नहीं अगर 220 की जरूरत है 210 आ रहा है 25 आ रहा है मे भी टू तक आ रहा है 180 आ रहा है तब तक तो ये 220 तक कन्वर्ट करके दे देगा टू थर्टी आ गया टू थर्टी फाइव आ गया फोर्टी तक आ गया तो भी ये बैलेंस उतना कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जैसा रजिस्टर कंडेंसर वट जितने भी चीजें इसके अंदर लगी होती है मैनेज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर आप स्टेप स्टेप डाउन स्टेप अप जो भी कॉम्पोनेंट्स लगे उन सबको मिलाकर जो भी आउटपुट मैनेज कर सकते हैं ये करेगा ऐसे हमारा एलईडी बल्ब भी होता है कि अगर आपके घरों में जो हंड्रेड वोट का बल्ब होता है ना पहले देखो लाइट कम आ रही है तो जलता ही नहीं था है ना या बहुत ऐसा चलता था कि मतलब ना के बराबर या टीवी चल ही नहीं गई है है ना बट अभी जो एलईडी आ रहा है एलईडी टीवी बहुत कम वोल्टेज होता है तो भी चल जाता है ना है ना लो वोल्टेज पर भी से चलता है अदर कंपोनेंट नहीं चलते है ना हीट करने के लिए प्रेस या जो आयरन वगैरह होता है उसको आप देखो तो वो नहीं चलता बट नॉर्मल एलईडी आपका पूरा अच्छे से पूरी स्क्रीन के साथ चल रहा होता है तो एलईडी का जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसी बेस पर डिजाइन किया गया है तो एक तरीके का एक ऐसा कॉम्पोनेंट हो जाता आगे। है जो जा की हमारे पावर सप्लाई को अच्छे तरीके से रेगुलेट करके हमारे एंड पॉइंट को प्रोवाइड करता है ओके तो ये यूपीएस है अब ये क्या करता है देखो प्रॉपर तरीके से इसमें ए को रिसीव करता है डीसी में ये कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर की वजह से फिर बैटरी को ये प्रॉपर तरीके से चार्ज आउटपुट ये सारी चीजें इसे प्रोवाइड करके फिर उस डीसी डीसी को कन्वर्ट करता है एसी में एंड देन आउटपुट प्रोवाइड करता है और फिर यहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं तो यहां से आपका इधर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है ये सब चीज इधर कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी लगे होते हैं सब मैनेज करके रेक्टिफायर वगैरह लगा होता है सर्कल में ऐसे गोल गोल बन के तो वो सब मैनेज करने के बाद यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देता है बैटरी चार्ज होता है एंड देन फिर यहाँ पे आपको आउटपुट ये डीसी से एसी में प्रोवाइड कर रहा होता है तो ये इंटरनल फंक्शन है इसको समझ लेंगे बेटर है ऐसे ही ये वर्क करता है ये कुछ इस तरीके से एसी टू डीसी एंड देन अगेन डीसी टू एसी ऐसे वर्क करता है कुछ ऐसे आते हैं जो कि कन्वर्टर आते हैं ऐसे ही यूपीएस टाइप के ही होते हैं कन्वर्टर होते हैं जो डायरेक्टली एसी को डीसी में कन्वर्ट करके पावर सप्लाई देते हैं उनको एज ए अडोप्टर बोला जाता है राइट जो कि चार्जर वगैरह आपने देखा होगा है ना तो वो भी हमारे एक इसी पैटर्न में आ जाते हैं सेम ट्रांसफार्मर ऐसे करके यूज किए जाते हैं तो जो भी आपको इसके थ्रू पावर सप्लाई मिलता है इस यूपीएस के थ्रू इसमें बैक साइड में आप देखेंगे अब देखो अब इसका कैपेसिटी अगर देखना है जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे इतने एम का और ये है वो है तो वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कोई दस मिनट का भी बैकअप दे दे तो बेटर है कोई पंद्रह कोई तीस आई थिंक तीस से ज्यादा फिर बैकअप और उसके लिए इन्वर्टर बेटर है तो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं हूं डॉट इन एंड यूपीएस तो ये सब है और यहाँ पे देख सकते हो थ्री सिक्स जीरो वॉट तक का पावर सप्लाई देगा गेमिंग पीसी इससे आप चला सकते हैं मे बी फोर हंड्रेड का तो उसका एस एम पी एस होता है से, तो शायद तो ये सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके हिसाब से भी हमें ये सब देखना होता है ये कितना सपोर्ट करेगा आपका देख लो इसमें बैकअप वगैरह भी लिखा होगा ये सारी चीजें हैं ये थोड़ा सा एडवांस है और टू टू थर्टी वोल्ट तक का ये एक्सेप्ट करेगा एंड अनदर आप देखिए यहाँ पे सिक्स सिक्स जीरो वॉट सबसे काफी पावरफुल है और ये अगर हम देखें सात आठ हजार रुपए का है। ओके इसका बैकअप वगैरह भी वही मिनिमम होता है थर्टी टू नाइनटी मिनट का यहाँ पे बैकअप है इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा और ये कितने एम का वॉट का ये सारी चीजें कितने वोल्ट का है इस हिसाब से बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं कि ये कितना बैकअप है कितना पावरफुल है उसके हिसाब से ओके तो ये इसी तरीके से हमारी डिवाइस होती है यूपीएस की अब इसके बैक साइड को मुझे देखना था तो यहाँ पे देखो आपका अगर एक आ, मतलब कि मेन मशीन अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इसी से मॉनिटर मौ भी कनेक्ट कर देते हैं और इसी से अनदर कुछ चलाने लगते हैं बहुत हैवी आउटपुट देने लगते हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि इससे कितना आउटपुट तक हमें देना है या अगर ये लिखा हुआ है 320 सौ बीस वॉट तक का आउटपुट देगा या जो कुछ भी है तो अगर हम इसमें मान लिया एक एक गेमिंग पीसी लगा दिए जो कि 500 हंड्रेड वॉट का उसके अंदर एस एम पी एस लगा हुआ है जो कि एस एम पी एस में दिखाऊं जो पावर सप्लाई यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एस एम पी एस पार सप्लाई यूनिट अब देखो फोर हंड्रेड वॉट का एस एम पी एस है और अनदर गेमिंग एस एम पी एस वगैरह देखेंगे तो सिक्स हंड्रेड वॉट का है तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये उसके लिए कैपेबल है कि नहीं है तो वॉट आपका एटलीस्ट उतना मैच होना चाहिए अदरवाइज प्रॉब्लम होगी मे भी चला दे मे भी जैसे ही उस पर लोड पड़े तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा

डिजिटल ले मीटर लेकर या मल्टीमीटर लेकर इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करो कि यहाँ से आउटपुट हमें कितना मिल रहा है ओके okay? यहाँ से अगर हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है या यहाँ से चेक करने से बेटर है कि आप अपने वॉल सॉकेट को भी चेक कर लो राइट right? कि जो हमारा एसी करंट हमारे घर में आ रहा है या हमारे ऑफिस में आ रहा है उसमें कितना वोल्ट का पावर सप्लाई है ओके okay? तो उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे एंड फिर यहाँ के आउटपुट को चेक कर लेंगे अगर हमारा एसी ओके टू ट्वेंटी टू थर्टी वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो है टू सॉरी आ रहा है तो मतलब हमारे SMPS में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम इसको रिपेयर करेंगे या फिर यहाँ तक पार सप्लाई वॉल सॉकेट का भी ओके है या घर का प्लस हमारे एस एम पी एस का भी ओके है तो इस कंडीशन में क्या चेक करेंगे फिर भी हमारा सिस्टम रि होने लगा तो फिर रैम का प्रॉब्लम अनदर वो होगा और हमें अगर कंफर्म इतना पता है कि हमारा वन मतलब कि यहाँ पे टू ट्वेंटी बोल्ट या टू थर्टी यहां पर भी आ रहा है बट हमें केबल भी एक बार चेक कर लेना राइट केबल चेक करने के साथ साथ हमें चेक करना पड़ेगा एक पूरी सीरीज है मैं जब ट्रबल शूटिंग वाले में पढ़ाऊंगा तो इसको पूरी डीप एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो हमें एस एम पी एस भी चेक करना होगा लाइक अगर यहां तक पावर सप्लाई ओके है तो आपको एस एम पी एस में चेक करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर पिन का एडोप्टर है ना मैं दिखाता हूँ फाइनल यहां तक अगर आपका पावर सप्लाई ओके है फिर आप कुछ और ट्राई कर सकते हो एस एम पी एस में ये वाला ही ले लेता हूं और इसमें देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडॉप्टर होगा इसमें नहीं अच्छे से दिख रहा सर, एक इन्वर्टर पे कितने कंप्यूटर लग सकते हैं सर वो तो उसकी कैपेसिटी की कितने के वी का है कितने वॉट का है तो आप सारे वॉट को कैलकुलेट करके देख लो एक साथ उतना लोड उठा लेगा ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इन्वर्टर नहीं रहता होगा ना बहुत सारे रहते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में पारी पे रहता, हाँ, रहता, रहता है हाँ उसमें बड़े वो कंपोनेंट्स और सारी चीजें होती हैं ये देखो ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं पर्सनल कंप्यूटर के लिए हो रहा है अब कंपनी में ये डिवाइस कितने लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा तो चल नहीं पाएगा वहां पे पूरा का पूरा जनरेटर वो नहीं होता ऑटोमेटिक और वो वाले सब होते हैं तो ये हमारा जो पावर सप्लाई कन्वर्टर है ये सॉरी अडोप्टर है ये हमें चेक करना पड़ता है ट्वेंटी पिन का पावर सप्लाई है जो कि हमारे मदरबोर्ड में प्रोवाइड होता है अब इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक वायर है ना एक अपना जो मल्टीमीटर है एक, एक इस ब्लैक वायर के किसी भी इसमें लगभग में छह सात ब्लैक वायर होंगे आठ जितने भी होंगे ग्राउंड उसके लिए इसको देखेंगे एंड यहाँ पे अनदर हमारा कौन सा वायर होता है चेक करने के लिए ब्लू ग्रीन सर ब्लू ग्रीन ग्रीन सॉरी तो हमारा यहाँ पे देखो हमें चेक कर लेना है कोई भी यहाँ पे देखो यह? यस सर आ रही तो जो हम लोग ब्लैक ग्रीन कर रहे हैं ना ऐसा नहीं करना है सारे कंपोनेंट का एक आउटपुट चेक कर लेना है तो सबसे मेन है कि आप ये देखो ग्रीन का यूज किया जाता है कि आप मान लिया कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई दे रहे हो और वो ऑन नहीं हो रहा है ठीक है और पावर सप्लाई देने के बाद ऑन नहीं हो रहा है बार बार आप बटन प्रेस कर रहे हो फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट देख लो कि ये यूनिट हमारा ग्रीन और ब्लैक को आपस में क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट करते हैं है ना ये वाला ग्रीन और इधर तो जब हम इन दोनों को आपस में टच करेंगे किसी भी वायर से ट्वीजर से या किसी से तो ये आपस में क्या जैसे ही वो होगा तो आपका जो एस एम पी एस है उसका फैन चलने लगेगा अगर ऐसा हो गया तो मतलब हमारा एस एम पी एस ओके है।, है ना फिर हमारा में अभी जो मदरबोर्ड का कनेक्शन है वो प्रॉब्लम है तो ठीक है ये ट्रबल शूटिंग कैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा पूरा हम आगे डिस्कस करेंगे बट ये दिखाना था कि इसमें जब आप ट्रबल शूट करेंगे ना तो ये देख लो कि अगर लो वोल्टेज है और आ, हमारा एस जो है फाइनल अगर ऑरेंज के साथ थ्री पॉइंट थ्री का मैक्सिमम रेड यहाँ पे फाइव वोल्ट है ट्वेल्व वोल्ट ब्लू वो, सॉरी येलो के साथ है तो ये सब आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप चार्ट ओपन कर सकते हैं या तो याद कर लेंगे कलर है ना कलर के अकॉर्डिंग कि उस वायर में उतना वोल्टेज का आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है देन ओके अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा एस एम पी एस को रिप्लेस करना पड़ेगा पावर सप्लाई यूनिट यानी कि जो आपका उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं उनको चेक करना पड़ेगा ये सब फिर इलेक्ट्रीशियंस और इनके थ्रू ही हेल्प मिलेगी या तो फिर आपको रिपेयरिंग और ये सब आता हो ये सारी चीजें होती हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग कहाँ से एस एम पी एस से ट्रबल शूटिंग के भी फंक्शन को देखते हुए आगे बढ़े एंड देन फाइनली हमारा जो ये यूनिट है मैं इसके बारे में बात कर रहा था दिस इज एस एम पी एस और एस एम पी एस का फुल स्विच मोड पावर सप्लाई हमारे मदर बोर्ड पर यानि के जो होते हैं, उनके सारे यूनिट्स को पावर सप्लाई यही देता है वर्किंग ऑफ एस एम पी एस कैसे ये काम करता है तो ये भी आप लोग देखें आपका इनपुट एसी से रेक्टिफायर्स वगैरह लगे होते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं ओके रेक्टिफायर एंड फिल्टर वोल्टेज जो इन रेगुलेटेड मतलब कि कम ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएटेड को कोई ऐसा पार सप्लाई है वो आ रहा है तो फिर इन्वर्टर चॉपर में आता है उसके बाद फिर आउटपुट ट्रांसफर होता है फिर आपका रेक्टिफायर फिल्टर फाइनल मतलब कि ट्रांसफर और ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको क्या होता है कि एक आउटपुट देखने को मिलता है राइट right? है ना यानी कि पूरी तरीके से आपका जो Uh, समझो कि ये वाटर प्योरीफायर देखते हो ना उसके अंदर इतनी सारी है मतलब अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं ऐसे ही इसके अंदर चॉपर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स ये सब लगे होते हैं जिसकी हेल्प से जो आपका सिग्नल uh, होता है वो शुद्ध करके फिर फाइनल आउटपुट में दिया जाता है ओके okay, तो ये हमारा एस का सप्लाई होता है अब मान लिया कि अगर यहाँ पे फिल्टर और रेक्टिफायर ये सब ना लगे हों तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ रेड वायर में आपको इतने बोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए येलो वायर में ट्वेल्व बोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए है ना तो ये सब कैसे पता चलेगा या ये सब कैसे होगा तो हमारा ये सारे कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं फिल्टर करके उस तरीके का रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो देखो जो ये ब्लैक वायर होते हैं इसमें ये आपका क्या मतलब ब्लैक पोर्ट होते हैं ये आपका क्या होता है ग्राउंड पोर्ट होता है यहाँ पे जी मतलब ग्राउंड पोर्ट है ये बस नॉलेज परपज से आपको ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगा ओके बाकी इस तरीके से कन्वर्टर दिखेगा आपके एस एम पी एस में ये होता है यहाँ पे जो मैंने अभी डिवाइस दिखाया ये ये वाला एरिया ये पोर्ट और ये जो चार पोर्ट का मोलेक्स पोर्ट इसको बोलते हैं मोलेक्स कन्वर्टर बोलते हैं ये आपका पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है आपकी हार्ड डिस्क को जो साटा हार्ड डिस्क आती है पाटा हार्ड डिस्क आता है राइट एंड और कहाँ पे ये प्रोवाइड करता है आपके डीवीडी रोम सीडी रोम को समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो उन सब डिवाइसेस को ये पावर सप्लाई यहाँ से मिलता है प्लस यहाँ पे एडिशनल फो, फोर पिन का पावर सप्लाई है अभी जो आप नए देखेंगे उसमें एट पिन या सिक्स सॉरी एट पिन का भी आपको पावर सप्लाई देखने को ये मिल जाता है राइट एंड इस तरीके से होता है इसमें और भी पिन होती है फिफ्टीन पिन का कुछ कन्वर्टर होता है है ना पिन का जो कि साटा डिवाइस को पावर सप्लाई देने के लिए होता है तो ये पुराना एस एम पी एस है नए एस एम पी एस में वो सब देखने को मिलेगा अभी हम लोग उसको भी ऑब्जर्व करते हैं बट ट्वेंटी फोर पिन का ये मेन पोर्ट है जिसमें आपको सारी चीजें देखना है कि आपका एस एम पी एस प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये जितने भी ब्लैक है ये सब ग्राउंड है बाकी पावर ओके के लिए यहां पे रहेगा माइनस फाइव वोल्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है ये कलर डिसकलर हो गया है बट जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था पावर सिग्नल के लिए एक होता है थ्री वोल्ट आपका रेड में होता है तो यस एस एम पी एस नहीं ट्वेंटी फोर पिन कनेक्टर्स, कनेक्टर. तो इसका हम लोग एक इमेज देखते हैं एंड इसका पावर सप्लाई देखें. यहाँ से देखते हैं कलर प्रॉपर तरीके से है तो ये यह चीज यहाँ से कोई भी डायग्राम आप कभी भी लगे ट्रबल सूट करना है तो डाउनलोड करके बस मल्टीमीटर ले लेंगे मल्टीमीटर कैसा होता है लेटमी शो डिजिटल मल्टीमीटर ऐसे मिलेगा तो ये जो प्रॉब इसको क्या बोलते हैं प्रॉब बोलते हैं ये जो आपका ये जो वायर है ना इसको प्रॉब बोलते हैं तो ये रेड होता है और ब्लैक है तो ब्लैक वाले को आपको क्या करना है ये इधर आपको कनेक्ट कर लेना है एसी एंड डीसी के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पे आपको एक ग्राउंड के लिए यानी कि जो ये मेन पोर्ट है ये जितने भी ब्लैक दिख रहे हो ब्लैक वाला आप उसमें ऐड कर दोगे एंड ये जो रेड वाला है आप रेड वाला जो है मान लिया कि इसको चेक करते हो रेड वाले को यहाँ पे लगाते हो रेड वाले पोर्ट में या रेड वायर के साथ जो यहाँ पे रेड वायर है तो वहां पे कितना बोल्ट का पावर सप्लाई आपको इस मीटर में दिखना चाहिए यहाँ पे फाइव राइट right? बोल्ट हाँ फाइव बोल्ट तो वहां पे ओके okay है मतलब वहां तक का पावर सप्लाई ओके है फाइव वोल्ट की पावर सप्लाई से चलने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए है ना रैम वगैरह का अगर पावर सप्लाई देखा जाए कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है माइनस वोल्टेज में चलती हैं रैम का वन वोल्ट तक का पावर सप्लाई होता है सब कुछ को पावर सप्लाई यहीं से मैनेज किया जाता है प्लस कुछ एडिशनल कम्पोनेट्स है जो हमारे मदरबोर्ड के पीसीबीज मदरबोर्ड पे डिवाइसेस या एस एम डीज डिज एस है वो सब भी उसको माइनस करने का काम करता है तो प्लस ट्वेल्व वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे प्लस ट्वेल्व वोल्ट पावर सप्लाई जो डीवीडी राइटर होते हैं हार्ड डिस्क होती है उन सब चीजों के लिए जो मोटर जिसमें मोटर लगे होते हैं लाइक सीपीयू के ऊपर जो फैन होता है तो ऐसे कंपोनेंट्स को हायर पावर सप्लाई चाहिए होता है तो वहां पे ट्वेल्व वोल्ट तक का पावर सप्लाई चाहिए होगा समझ में आया रैम वगैरह में तो ये भी वर्क कर जाएगा माइनस वोल्टेज तक का भी यहाँ पे मिलता है ब्लू वायर है यहाँ पे माइनस ट्वेल्व वोल्ट का पावर सप्लाई है ओके ग्रीन पीएस ऑन के लिए होता है हमेशा शॉर्ट करके एसएमपीएस को चेक किया जाता है अगर सिस्टम में नहीं कनेक्ट है तो भी आप डायरेक्ट पावर सप्लाई को कनेक्ट करो मतलब अपने वॉल सॉकेट से और इन दोनों को शॉर्ट कर दो अगर एसएमपीएस का फैन चलने लगा मतलब एस एम पी एस ओके है तो ये टेस्टिंग करने के लिए ऐसा कुछ होता है क्लियर हो गया ऐसे ही हमारा ट्वेल्व वोल्ट एडिशनल पावर सप्लाई का एक कन्वर्टर आ जाता है एस एम पी एस एस एम पी एस के ऐसे ही पोर्ट में जो कि हमारे जो ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं एडिशनल और भी मदरबोर्ड में जो एडिशनल पावर सप्लाई होता है कंपोनेंट्स के लिए वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ से किया जाता है तो ये सब कुछ आपका अब ये तो हमारा एक नॉर्मल एस एम पी एस है अगर सर्वर लेवल पे और ये सब पे जाएंगे तो बहुत एडवांस एस एम पी एस देखने को मिलेंगे है ना सीरियल बेस्ड एस एम पी एस देखने को मिलते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मशीन के साथ अटैच रहते हैं है ना मशीन के अंदर क्या होते हैं अटैच रहते हैं ये भी हमारा मशीन मशीन के के अंदर अंदर ही होता है डेस्कटॉप राइट right. तो ये हो गया तो एग्जैक्टली exactly आपको सारे वोल्टेज सारे कलर के अकॉर्डिंग मेजर कर लेने हैं सब कुछ होते है तो मतलब ट्रबल शूटिंग ओके okay, है फिर आगे कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो ये भी आपने देखा इसमें जो भी पोर्ट्स होते हैं आपके एस एस में Like ATX port. Okay, ATX XT, AT ATX 24 को मिलेगा एक साथ ही आते हैं पहले के जो मदरबोर्ड आते थे जो एक्सटी एटी बेस पर उसमें 20 पिन का आता था बट इसको अटैच इसके साथ करके 24 पिन का भी बना लिया जाता है तो अभी बाय डिफॉल्ट ट्वेंटी पिन प्लस एडिशनल भी आ, फोर फोर पोर्ट के आ, कपल में आ जाते हैं ये दो ये मोलेक्स कनेक्टर है जो कि साटा हार्ड डिस्क पाटा हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई दिया जाता था अब ये साटा हार्ड डिस्क पाटा हार्ड डिस्क जिनको नहीं पता मैं यहां से दिखाता हूँ लेट मी शो पाटा एच और यहाँ पे देखो पावर सप्लाई के लिए फोर पिन यहाँ पे है तो इसको पावर सप्लाई दिया जाता था आपके किधर गया ये यहाँ पे इस वाले कनेक्टर से राइट तो वो उसको पावर सप्लाई अब यहाँ पे कितना पावर सप्लाई मिल रहा है फाइव वोल्ट जीरो वोल्ट एंड आपका ट्वेल्व वोल्ट पावर सप्लाई जा रहा है फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी आपको ट्वेल्व वोल्ट का पावर सप्लाई तक जा रहा है ओके पीसीआई स्लॉट के लिए यहाँ पे ग्राफिक कार्ड और इन सब चीजों के लिए सिक्स पिन का दिया है अभी एट पिन का भी आता है तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस ट्वेल्व वोल्ट का पावर सप्लाई क्योंकि उसके अंदर भी फैन और मोटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये मैंने बताया था साटा हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए होता है ऐसे ही डिस्क जो आती है साटा बेस पर है ना मैं दिखाता हूँ ये पाटा डिस्क है मोलेक्स पोर्ट बोलते हैं इसको साटा एच डी डी एंटर तो यहाँ पे देखिए ये फिफ्टीन पिन के आस हाँ फिफ्टीन पिन का ये पोर्ट एरिया जो है ना इसको जो पावर सप्लाई यूनिट या पावर कनेक्टर दिया जाता है पावर सप्लाई वो इस वाले पोर्ट से दिया जाता है है ना साटा पार कनेक्टर ये हमारा हो जाता है ये 15 पिन का होता है राइट यहाँ पे देखेंगे 15 पिन तो इस वाले कनेक्टर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और ये जो सेवन पिन का होता है ये क्या होता है आपका इंटरफेस कनेक्टर होता है राइट यानी कि यहाँ से आप केबल कनेक्ट करते हो ये वाली साटा केबल और अपने मदरबोर्ड पे करते हो तो मदरबोर्ड पे फिर इस इसके डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है जो भी वहां पे फंक्शन या ऑर्डर देते हो उसके हिसाब से वर्क करता है तो यहाँ पे एडिशनल एक 12 बोल्ट का पावर सप्लाई पोर्ट होता है जो कि फोर पिन का होता है एडवांस पावर सप्लाई कनेक्टर होता है ओके एडवांस सप्लाई देने के लिए आपके मदर पर यह होता है कभी जरूरत और इन सब चीजों के अकॉर्डिंग तो ये सिंपल बस एस uh, और पावर सप्लाई का ये था अब देखो इसकी ट्रबल शूटिंग की बात करी जा रही है तो ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग देखा सबसे पहले हमें इसकी पावर सप्लाई यूनिट देखना है कि हमारा जो भी इनपुट है इसके अंदर जो दिया जा रहा है वो अगर मान लिया कि 220 चाहिए 220 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके 230 चाहिए 230 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हमारे वहां घरों में कितना वोल्टेज आता है 220 220 230 या ये हमारा एक रेशियो रहता है तो टू ट्वेंटी टू थर्टी वोल्ट आ रहा है अगर टू हंड्रेड वोल्ट आ रहा है तो मतलब कि ये हमारा आउटपुट भी शायद सही से ना दे पाए या तो फिर इस पे जैसे ही लोड पड़े तो ये अपने आप को रीस्टार्ट करता रहे तो इस वजह से हमारी मशीन रीस्टार्ट होती रहेगी तो एटलीस्ट इनपुट आउटपुट वोल्टेज आप दोनों चेक कर लेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और जितने भी वायर हैं आपने एक डायग्राम ओपन करना है नेट से अगर याद नहीं है क्योंकि तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सारे पावर सप्लाई को वो बताओ तो आप चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सभी में अगर आउटपुट वोल्टेज सही आ रहा है ब्लैक वायर के साथ सारे वोल्टेज को अपने रेड वायर के प्रोब से चेक करते रहेंगे तो ओके अगर सब कुछ ओके हो रहा है फिर भी आपके सिस्टम के अंदर हीटिंग Uh, हो रही है या सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है सिस्टम के अंदर सब कुछ नया कंपोनेंट है शायद ये पुराना लगा है तो इस वजह से तो इसको एक बार फैन को देख लें वो बहुत धीमे धीमे चलने लगता है जब डस्ट वगैरह आ जाता है तो फैन की प्रॉपर क्लीनिंग कर लें और ये जो स्टीकर लगा होता है ना इसको आप जब हटाएंगे इसको हटाकर कभी फेंका नहीं जाता है है ना इसके ऊपर जरूर टेप लगा दिया करें अगर ये ऐसा नहीं है किसी भी डिवाइस पर तो तो जब आप इस स्टिकर को हटा देंगे तो इसके अंदर एक होल होगा छोटा सा उसमें हल्का सा अच्छा क्वालिटी का ऑयल यूज करें जो मशीनों में यूज किया जाता है राइट अच्छी क्वालिटी की मोटर्स के लिए जो यूज किया जाता है शायद एक बूथ बहुत है उससे भी बहुत कम हल्का सा बस वहां पे टच करना है राइट उसके बाद आप इसको अच्छे से चारों तरफ से क्लीन करके इसको क्लोज कर दें और उसके बाद इसको ऑन करेंगे बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा और अगर ये बंद हो गया भले ही आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है फैन बंद हो गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा हीट की वजह से क्रैश कर जाएगा प्रॉब्लम कर जाएगा समझ में आया